पहला प्रश्न विकास नेमा का है। 42 वर्षीय विकास पुणे से हैं। आचार्य जी नमन। सर्वप्रथम कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। मुझे एक नई दिशा और ज़िंदगी देने के लिए जीवन में अब हल्का महसूस करता हूँ। छोटी छोटी बातें अब उतना परेशान नहीं करती और इसी दिशा में कार्यरत हूँ कि इसी पथ पर आगे बढ़ता जाऊँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि आजकल मेरा ग्रंथ पढ़ने और प्रवचन सुनने से ज़्यादा भजन सुनने में काफ़ी मन लगता है। उनमें से कुछ भजन मैं गाता गुनगुनाता भी हूँ और उनमें प्राय डूब जाता हूँ। मुझे लगता है भजन और भक्ति संगीत ज़्यादा सहायक है मेरे लिए सत्य में डूबने के लिए। ग्रंथों के शब्द भी स्पष्टता देते हैं पर वो मुझे निर्विचार में ले जाने में सहायक नहीं है क्योंकि मन उन्हीं शब्दों के आसपास फिर घूमता रहता है। कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें और ये जो मेरे साथ हो रहा है वह कितना सही है। कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमन विकास। भजनों में मन लग रहा है विकास, तो ये बात शुभ ही है। बस थोड़ा सा ख्याल रहे कि भजन में बोल और भाव प्रमुख रहें, संगीत की अपेक्षा। और बोलों का अर्थ स्पष्ट रहे, कही जा रही बात बिल्कुल वैसे ही पकड़ में आए जैसी कही गई है, उसके लिए ग्रंथों का पाठ श्रवण मनन चिंतन भी आवश्यक है। बोध के अभाव में कुछ भी सहायक नहीं होता, चाहे वो भक्ति संगीत ही क्यों ना हो। संगीत कर्णप्रिय होता है, इंद्रियों को भाता है, बोध नहीं है अगर तो भक्ति संगीत के प्रति भी आपका आकर्षण बस उसकी कर्णप्रियता के कारण रह जाएगा। आप भजनों की ओर, भक्ति गीतों की ओर आकर्षित हो रहे होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आकर्षण अधिकतर इंद्रिय सुख के कारण है। मैं नहीं कह रहा ऐसा हो रहा है, पर ऐसा हो जाने की संभावना होती है, खतरा होता है, अतः सजग रहना चाहिए। किसी देवता की कोई मूर्ति हो,
आभूषित, अलंकृत, सब तरह के परिधानों सुसज्जा अलंकारों से आभूषित कोई एकटक निहारता हो उस मूर्ति को, तो आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति में, उस देव के प्रति या सत्य के प्रति बड़ा अनुराग ही जग गया है। जिसकी आंखें बंध ही गई हैं उस मूर्ति से, बहुत संभावना है कि उसे मूर्ति का रूप, सज्जा, कलेवर, परिधान, आभूषण यही बड़े मन भावन लगे हों। वो एकटक देख रहा है मूर्ति के सर पर रखे मुकुट को, वो एकटक देख रहा है मूर्ति के गले में पड़े चंद्रहार को, वो देख रहा है मूर्ति के भाल पर कितना सुंदर तिलक शोभायमान है, मूर्ति के सौंदर्य ने उसके मन को पकड़ लिया है। लेकिन इस स्थिति में क्या हम ऐसा कहेंगे कि उस व्यक्ति में बोध या भक्ति जागृत हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है। यही खतरा भजनों और भक्ति संगीत के साथ भी है। संगीत आकर्षक तो होता ही है। ऐसा न हो कि देवता की मूर्ति से आपका बड़ा रिश्ता बैठ जाए और दैवीयता से कुछ भी नहीं। संगीत दुधारी तलवार होती है। वो शोर को परास्त कर मन को अपनी ओर खींच सकती है। जब शोर को जीतने का सवाल हो तब संगीत उपयोगी है। लेकिन संगीत ये भी कर सकता है कि मन को स्वयं में ही बांध ले। जब मन संगीत में ही बंध गया तो मन क्या करेगा सत्य का? मन को तो ठिकाना चाहिए था, शांति चाहिए थी। वो शांति अगर मन को लगा कि संगीत में ही मिल रही है
तो संगीत पर ही रुक जाएगा, संगीत से आगे सत्य की ओर क्यों जाएगा। और संगीत पर भी अगर मन रुकेगा तो अल्पकालीन शांति का अनुभव तो होगा ही, कुछ लाभ तो मिलेगा ही। जब लाभ मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि ये लाभ भक्ति के कारण मिला है। वो लाभ भक्ति के कारण नहीं मिला होता, वो लाभ मधुर संगीत से मिली अल्पकालीन शांति है। वो सत्य का वरदान नहीं है, वो इंद्रियगत सुख है। एक उदाहरण ले लीजिए, बड़ा चलन है कई सालों से, कई दशकों से, कि प्रचलित फिल्मी गानों की धुनों पर ही भजन बना दिए जाते हैं। प्रचलित फिल्मी गानों की धुनों पर ही भजन बना दिए जाते हैं और फिर भक्तगण उन भजनों को बड़े रस से सुनते हैं और गाते हैं। गौर से देखिए ये क्या हो रहा है। भक्त का आकर्षण उस गाने के भाव की तरफ है या रसीली धुन की तरफ है? धुन की तरफ है। और धुन को सामाजिक स्तर पर सफलता पहले ही मिल चुकी है। वो किसी प्रचलित प्रसिद्ध गाने की धुन है, पता है कि वो धुन कान पर जब भी पड़ेगी मन बिल्कुल लहरा उठेगा, बड़ा सुख मानेगा। अब उस तुम धुन पर भक्ति के बोल बैठा दो तो भी मन मुझे बताओ किसकी ओर आकर्षित है, भक्ति के बोलों की ओर या उस नशीली धुन की ओर? किसकी ओर आकर्षित है? धुन की ओर। अगर बोलों की ओर आकर्षित होता तो मदहोश कर देने वाली धुन की आवश्यकता ही ना होती, एक सीधी सरल सच्ची धुन भी काफी होती। संत बोल लिखते थे, संगीत नहीं रचते थे, याद रखना। लिरिक्स थी, वो म्यूजिक कंपोजर नहीं थे, क्योंकि उनका सारा सरोकार सिर्फ सच्चाई से था। वो सत्य के प्रति प्रेम निवेदन कर देते थे, वही उनकी साखियां हैं, वही उनके भजन हैं, वही उनकी काफियां हैं। और उनको ये जरूरत भी नहीं महसूस हुई कि बड़े आकर्षक धुनों पर इन बोलों को सजाया जाए। लेकिन बाद में धुन भी चाहिए, 10 तरह के वाद्य यंत्र भी चाहिए, बीट्स चाहिए, क्योंकि ये जो बाद का श्रोता है इसको सच्चे शब्द से कम प्रयोजन है और कर्ण प्रियता से ज्यादा। तो ये भक्ति संगीत को भी ऐसी धुनों पर रखता है, भक्ति के बोलों के पीछे भी ऐसी आवाजें रखता है, ऐसी धुनिया कि इंद्रियगत सुख मिलता रहे। सावधान रहिएगा, कबीर साहब के भजन गाएं आप,
और आपको पता ही ना हो कि उन भजनों के बोल इशारा किधर को कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उन भजनों को गाने से कोई लाभ होने वाला है। और बोलों में जो कहा गया है वो बात गा गा कर ही समझ में नहीं आएगी। अब कह रहे हैं कबीर साहब, अनहत के मैदान में रहा कबीरा सोए, आप गाइए खूब। और एक से एक बाकी धुनों पर आप गा सकते हैं, अनहत के मैदान में रहा कबीरा सोए। अर्थ बताइएगा, कह क्या रहे हैं वो, गाने से क्या होगा जब समझे ही नहीं कि क्या बात है। और गाया जा सकता है बिना अर्थ समझे, गाने में इंद्रियों को और मन को कोई समस्या नहीं है, कुछ भी गाइए। पर कबीर साहब की रुचि इसमें नहीं थी कि आप गाने लग जाए, वो चाहते थे कि पहले आप समझें तो कि अनहद बात क्या है। किसी भी प्रचलित भजन का उदाहरण ले लो और देखो कि उसकी कर्णप्रियता एक तरफ है और सार बिल्कुल दूसरा। और खतरे की बात यह है कि बिना सार को समझे भी वो भजन तुम्हें कर्णप्रिय लग सकता है, तुम उसे लगातार गुनगुनाते रह सकते हो, कान को अच्छा लग रहा है, अर्थ से कोई ताल्लुक नहीं। इतना ही नहीं, अक्सर ये भी होता है कि जो बात कही गई है बोलों में, शब्दों में, दोहों में, भजनों में, उसमें और धुन में बड़ा विरोधाभास हो। आज से 7-8 साल पहले की बात है, कुणाल गीत लेकर के आया, और ऐसे ही बोध सभा बैठी हुई थी कबीर भजन ही था और कुणाल ने सुना दिया, लगा दिया, वो अपनी गाड़ी में लगातार सुनता ही रहता था, पहले जिस संस्था से संबंधित था वहां का गीत था। कुणाल ने बोध सभा में भी वो गीत सबको सुनाया, और सुनाया नहीं कि सब बिल्कुल बाग बाग फूल खिलाए, हा 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 क्या बोला है। जब सब बिल्कुल पुष्पित हो लिए, हरियाली छा गई, तो मैंने कहा ये पाप है, क्या कह रहे हैं कबीर साहब और उसको कैसे गाया जा रहा है। तो लोगों को थोड़ा झटका लगा, बोले क्या बात। मैंने कहा सुनो पहले वो बोल क्या रहे हैं, वो शब्द चेतावनी के थे, कबीर साहब चेतावनी दे रहे थे और उसको गाया ऐसे जा रहा था जैसे प्रकृति को रिझाया जा रहा हो, जैसे यौवन का खेल चल रहा हो। और फिर जब दोबारा सबने उसको सुना तो हक्के बक्के रह गए, बोले बात तो बिल्कुल ठीक है, क्या कबीर साहब कह रहे हैं और कैसे उसको गाया जा रहा है। माया घर से कांची, याद है कुणाल, और सुनने में वो इतना मीठा कि सब बहके जाए, फिसले जाए, जाम छलकने लगे। ये खतरा होता है निहित संगीत के साथ, वो तुम्हें होश में भी ला सकता है और बेहोश भी कर सकता है। अधिकांशतः हम उसका उपयोग बेहोश हो जाने के लिए करते हैं,
खास तौर पर जब हम ये कहें कि मुझे सत्संग सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो भजन सुनना पसंद है, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ चल रही है, बहुत तगड़ी। संतों ने मनोरंजन थोड़े ही किया था तुम्हारा कि मीठे मीठे गीत सुना दिए हों, वो प्रबोधन है, वो जागृति का कार्यक्रम है, वो झटका दिया जा रहा है, वो तुमको लोरी नहीं सुनाई जा रही, मिठाई नहीं खिलाई जा रही, झंझोड़ के जगाया जा रहा है, डंडा मारा जा रहा है, पर हम उसको ऐसे मीठे संगीत में पगा लेते हैं कि पूछो मत। और फिर तो भजन मीठा लगेगा ही। साहब की चेतावनियों को भी हमने रसगुल्ला बना लिया, मीठा मीठा। हाँ, साहब के उन्हीं शब्दों पर अगर मुझे बोलना हो तो मेरे माध्यम से फिर साहब का डंडा चलेगा, वो फिर सत्संग आपको क्यों भाएगा? कबीर साहब का वही भजन है और उस पर मैं बोलूं तो मेरी वाणी में साहब का डंडा अवतरित हो जाएगा पटापट। अब वही भजन भाएगा नहीं। बड़ी पिटाई लगाई, भजन था कि बेत, पीठ छिल गई, ऐसे पड़े कोड़े। और उसी भजन को चाशनी में पगा लो, तो लगा हा हा हा, स्वर सरिता बही है, गीत माधुर्य। और सुनाओ और सुनाओ, जब मैं डंडा मारूं तब काहे नहीं कहते और सुनाओ और सुनाओ? तब तो कहते हो प्राण छूटे, इनका सत्र खत्म हो, जान बचे। वही संगीत अभी लगा दिया जाए तो देखो कैसे झूमोगे मदहोश होके। ये तुम इसलिए नहीं झूम रहे कि तुम्हें साहब से प्रेम है कि साहब के राम से प्रेम है, वो तुम्हें झुमाने वाला है संगीत और उसकी कर्णप्रियता। इसीलिए कई पंथों में संगीत को बड़ा हतोत्साहित किया गया है। कहते हैं आदमी के हाथ में संगीत पड़ेगा तो उसका दुरुपयोग ही होगा। मैं नहीं कह रहा दुरुपयोग होना आवश्यक है, लेकिन हम ऐसे ही हैं, हम उसका दुरुपयोग ही कर डालते हैं। YouTube उठाओ, वहां देखो कबीर साहब की जितनी बेइज्जती कबीर साहब को गाने वाले गायक करते हैं उतनी शायद ही कोई करता हो। वो जानते ही नहीं कि बोला क्या है कबीर साहब ने, पर वो गा रहे हैं, गा भी रहे हैं, अपने मुताबिक अर्थ भी कर रहे हैं। कि बुल्ले शाह हूं, बाबा फरीद हूं, सबका यही हशर किया हमने। कुछ पता नहीं कि बात क्या कही जा रही है, पर मीठी मीठी और उत्तेजक धुनों पर उनके शब्दों को रख दो और फिर कहो हम तो भक्ति संगीत सुन रहे हैं, गा रहे हैं। बात पहले पूरी समझ लो फिर गाओ तो अच्छा लगता है ना। बात समझी ही नहीं, सिर्फ संगीत पर झूम रहे हो तो गड़बड़ हो गई। ये तो वैसे ही है कि जरा सा आलू लेकर के उसमें किलो भर मिर्च मसाला भर दिया, बढ़िया छौंक लगा दी, आलू उसमें इतना और बाकी क्या है मसाला,
और वो बड़ी स्वादिष्ट आ रही है। स्वादिष्ट आलू की वजह से आ रही है, तुम्हारा आकर्षण ही किसके प्रति है? मसाले के प्रति। और फिर तुम कहोगे मुझे ना आलू की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। आलू को क्यों बदनाम कर रहे हो? आलू से तुम्हारा कोई लेना ही देना नहीं है। तुम्हें पसंद क्या आया है? मसाला। संतों के सुंदर बोल जब साधारण संगीतज्ञों के हाथ में पड़ जाते हैं तो मसालेदार आलू की सब्जी बन जाती है। मसालेदार आलू की सब्जी जिसमें आलू है एक फांक और मसाला ग्रेवी है झउआ भर के। और ये और ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर तुम सुन रहे हो मीका को और झीका को और हनी और बनी सिंह को तो भीतर नैतिक कांटा भी चुभता है कि अरे 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 मैं ये क्या सुन रहा हूं, छी 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 उछी बातें। पर जब भक्ति संगीत सुनते हो तब तो नैतिक तल पर भी हरी झंडी मिल जाती है खुद से ही कि मैं तो बढ़िया चीज सुन रहा हूं। ना 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 ना। सुन तुम वही रहे हो, सुन अभी भी तुम वही रहे हो जो बस शरीर को सुख दे रहा है, जो कानों को सुख दे रहा है। अभी भी तुम वो नहीं सुन रहे हो जो अहंकार को क्षीण करेगा, ये तुम्हें राम से मिलाएगा। अभी भी तुम कुछ वही ग्रहण कर रहे हो जो जबान का स्वाद देता है तुमको, लेकिन अब तुम्हारा अहंकार लज्जा भी नहीं मानेगा। अब तुम्हारा अहंकार बिल्कुल छाती फुला करके उद्दंडता के साथ कहेगा कि हम भक्त हैं, अभी हम भक्ति के गीत सुन रहे हैं। गीतों में जो बात है समझ में कुछ नहीं आ रही। मेरा पिया घर आया हूं, देखा इस पर क्या गीत बना है। उसका प्रस्तुतिकरण पूरा देखा है, सिनेमेटाइजेशन। क्या कह रहे हैं बुल्ले शाह साहब और क्या तुमने उसको तब्दील कर दिया। यौवन का रूप रस छलकाती सिने तारिका, वो गा रही है मेरा पिया घर आया ओ राम जी ओ राम जी। बुल्ले शाह के चित्र से भी दूर ही रहना तुम, उनके शब्दों के साथ जो धृष्टता करी है कहीं ऐसा ना हो अपनी तस्वीर से बाहर कूद के आए और पांच मारे पट पट पट। संतों ने गीत लिखे तो गीत गाए भी जाएंगे, पर वैसे न गाए जाएं जैसे गाए जा रहे हैं, जैसे प्रचलित सामग्री इंटरनेट इत्यादि पर पड़ी है। इसी के लिए स्टूडियो कबीर की संस्थापना की गई थी कि तुमको पौष्टिक सब्जी भी मिल जाए और कम से कम मसाले में।
उसमें कुछ अगर तेल मसाला पड़े भी तो ऐसा जो सब्जी की पौष्टिकता में इजाफा ही करे। नहीं तो बहुत आसान है अहंकार के लिए किसी भी ऊंची से ऊंची सुंदर शुद्धतम पवित्रतम वस्तु पर भी हाथ रखकर उसे मैला कर देना। अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। प्रसिद्धि कमानी है, मुनाफा बनाना है तो कोई गायक, कोई संगीतकार, कोई फिल्मकार वैदिक ऋचाओं को भी उठा लेगा, सत्यम शिवम सुंदरम को भी उठा लेगा, वैदिक शांति पाठ को भी उठा लेगा, संतों के उद्गारों को भी उठा लेगा और फिर उनमें लगाएगा तड़का। और आपको पसंद है तड़का और आप कहेंगे साहब मैं तो देखिए आध्यात्मिक साधना के पथ पर हूं, भजन सुना करता हूं, पूछूंगा इस सब्जी में आलू कहां है? तुम जो चाट रहे हो वो सिर्फ मसाला है। आलू तो उबाल कर दे दें तो तुमसे ग्रहण ही नहीं होगा, आलू से तुम्हारी कोई रुचि नहीं, निष्ठा नहीं, तुम किसके दीवाने हो? मसाले। नहीं तो बात असंभव है ना। कबीर साहब का एक एक वचन वैदिक ऋचा है। अगर तुमने ज्ञानाभ्यास ही नहीं करा है तो तुम समझोगे ही क्या कि वो क्या कहना चाहते हैं? बताओ ना मुझे। कैसे समझोगे? हाँ, गा कुछ भी सकते हो, गाने के लिए समझ बिल्कुल आवश्यक नहीं है, किन्हीं शब्दों को धुन पर रख देने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम्हें उन शब्दों की समझ हो। गा तो कुछ भी सकते हो, समझे क्या और गाने में मगन हो जाओ, नाचने लगो। जानते हो संगीत पशु भी समझते हैं, स्वर लहरियां हो तो पशु भी थिरकना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बात कुछ समझ में आ गई, इसका अर्थ बस ये है कि इंद्रिय सुख मिल रहा है। जैसे स्वाद पशु भी समझते हैं, घ्राण शक्ति पशुओं में भी होती है, दृश्य पशुओं को भी दिखते हैं, वैसे ही संगीत के लहरियां पशुओं को भी आकर्षित कर ले जाती हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उन्हें सत्य का लाभ हो गया, कुछ भी नहीं, बस टुनटुनिया बजी है, कान को और चित्त को अच्छी लग रही है। कुछ दोहों का, काफियों का या भजनों का उदाहरण दीजिएगा या श्लोकों का दीजिए, कोई भी जो बिल्कुल तुरंत याद आ रहा हो। फिर मैं जानना चाहता हूं कि इसको गाया तो तत्काल जा सकता है पर क्या गाने भर से समझ जाओगे बात को?
उदाहरण दो। साधारण से साधारण बोल भी बड़े सारगर्भित होते हैं। अगर उनको ध्यान से समझा नहीं है, सत्संग से समझा नहीं है, तो क्या करोगे गा करके? उथली बात थोड़ी होती है भजनों में, तू मेरी मैं तेरा, हेरा फेरा हेरा फेरा, कि गाने लग गए हो गया, समझना किसको, समझने लायक कुछ है ही नहीं। यहां भजन की बात हो रही है, वहां सब कुछ समझने के लिए ही है। समझ के गाइए, फिर जादू होगा। और एक गुस्ताखी कभी मत करिएगा संतों के वचनों को मिश्रित या प्रदूषित करने की। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल वैसी ही रखी है जो उन्होंने कही है, बीच में एक भी नुक्ता अपना मत जोड़ दीजिएगा, जरा सा भी कुछ आगे पीछे मत कर दीजिएगा। और उसमें तड़का तो लगा ही मत दीजिएगा, धिचिक धिन धिन तिन तिन, धिचिक धिन धिन तिन तिन, फिर बड़ा आकर्षक लगेगा जो सुनेगा, क्या बात है क्या बात है, ड्रम भी है, हाँ ला और क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स हैं, हाँ हाँ बढ़िया। वो आकर्षक तो बहुत हो जाएगा और साथ में जहरीला भी। जहां कहीं भी तुम संतों और ऋषियों के बोलों के साथ धिंचिक धिन धिन तिन तिन सुनना, तहां समझ लेना कि बहुत किसी भ्रष्ट दिमाग की करतूत है। तुरंत अपने कान बंद कर लेना, वहां से हट जाना। सब्जी की पौष्टिकता बचाए रखने का सूत्र क्या होता है? या तो पकाओ ही मत, या कम से कम पकाओ, या तो उसमें तेल मसाले का उपयोग करो ही मत, और करो तो कम से कम न्यूनतम। ये सूत्र याद रखना। जहां कहीं भी देखना कि बात ली गई है संतों की और उसमें जोड़ दिया गया है धिंचिक धिन तिनिन तिन धिन, तुरंत वहां से गायब हो जाना, कहना ये किसी पापी का ही काम है। अरे धिंचिक धिन तिनिन तिन धिन करना होता तो साहब खुद ही उसमें लिख देते ना कि मेघा बरसे रिमझिम रिमझिम और धिंचिक धिन तिनिन तिन धिन। जब उन्होंने नहीं लिखा तो तुम काहे जोड़ रहे हो भाई? इस मामले में गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी के पाठ कुछ बड़े सुंदर और बड़े प्यारे हैं। सिखों ने उस उच्चतम धर्म ग्रंथ में मिलावट की छूट किसी को नहीं दी है, और बड़ा उपकार करा उन्होंने दुनिया पर जो उन्होंने ये छूट किसी को नहीं लेने दी। आप नानक साहब के वचनों के साथ धृष्टताएं नहीं कर सकते, और बहुत जरूरी है कि आप न करें। नहीं तो फिल्मों ने जो सुलूक बाबा बुल्ले शाह के साथ किया, उन्होंने वही सुलूक बाबा नानक के साथ और तेग बहादुर साहब के साथ भी किया होता। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संतों के वचनों को भी
मैला कर देने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही आदि शंकर का, जगतगुरु शंकराचार्य का निर्वाण षटकम है, उसको भी गाने वाले समझ ही नहीं रहे कि उसमें बात क्या कही जा रही है और हम उसे गा कैसे रहे हैं। वहां बात ही पूरी मुक्ति की है और उसको गाया ऐसे जा रहा है जैसे प्रेम निवेदन किया जा रहा हो। सुनो जी, मैं तो न चित्त हूं, न अहंकार हूं, न देह हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, मैं तो बस तुम्हारी हूं। ऐसा कह रहे हैं क्या शंकराचार्य? तो ये गाया कैसे जा रहा है फिर उसको? इंटरनेट पर देखो, निर्वाण षटकम के साथ क्या बदसलूकी की जा रही है और लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। ना 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 ना। शंकराचार्य भी सोचते होंगे कि मैंने व्यर्थ निर्वाण लिया, नीचे ही उतर आता हूं और एक बंदूक दे देना बस मुझे। जैसे राष्ट्रगान है, उसको एक बंधी धुन में गाते हो ना, और समय भी निश्चित है कि इतनी ही देर चलेगा, इसी धुन में चलेगा, समझ लो इसी तरीके से संतों के वचनों को भी सम्मान देना है। राष्ट्रगान को तुम कहते हो क्या कि मैं किसी भी धुन में गा दूंगा, धिनचिक धिन 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 के साथ गा दूंगा? करते हो क्या ये काम? जब राष्ट्रगान के साथ ये काम नहीं कर सकते तो ईशगान के साथ ये काम कैसे कर लेते हो? कैसे कर लेते हो बोलो? या कहोगे कि ये तो मेरी अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, मैं कुछ भी करूंगा, जैना गहना मैना टन 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 टन, करोगे? कर सकते हो, करना चाहिए, उचित है, नहीं करोगे ना? तो उसी तरीके से संतों के बोलों के साथ भी खिलवाड़ मत किया करो, बड़ी धृष्टता है, बड़ा पाप है। और धुन भी बनाने का अधिकार बस उसको है जो धुन बनाने की पात्रता रखता हो। कबीर साहब कि बोलों पर, भजनों पर अगर धुन बनानी है तो पहले कबीर साहब को समझिए। जो गहरा कबीर भक्त हो उसे ही हक है कबीर साहब के बोलों को धुनों पर रखने का। कबीर साहब का आपसे कोई लेना देना नहीं, आपकी जिंदगी में कबीर साहब का कोई महत्व नहीं, लेकिन धंधे के तौर पर, रोजगार के तौर पर, प्रोफेशन के तौर पर, करियर के तौर पर आपने क्या करा? कबीर साहब के बोल उठा लिए और उस पर संगीत चढ़ा दिया, ये आपने बदतमीजी करी है। कबीर साहब से आपका प्रेम का, समझ का और सम्मान का नाता हो तो ही उनके बोलों को स्पर्श करिए, वरना दूर रहिए। भजना ऊंची से ऊंची बात है, पर उस भजने में जो संगीत शामिल हो जाता है, मैं फिर याद दिलाता हूं, वो दुधारी तलवार है, सतर्क रहना। भजना माने गाना नहीं होता, भजना माने गाना नहीं होता। संतों ने कहा भजो, और भजो का मतलब ये नहीं है कि संगीतमय होकर ही भजो,
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, ये है भजना। गोविंद को याद रखना भजन है, भजन माने गोविंद को याद रखना। अरे मूढ़ मते गोविंद को याद रख, यही भजन है। लगातार भीतर नाम उसी का चलता रहे, यही जपना और भजना बहुत करीब की बातें हैं। खूब भजिए, भजनों से आपको प्रेम है तो खूब भजिए, संगीत उससे थोड़ा सा सावधान रहिए।